हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी प्यारी शालू भाभी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धक सूत्र में। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोरोना पॉजिटिव होने पर सम्मत बना सकते हैं या फिर नहीं। मतलब अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और आपका पार्टनर भी होम आइसोलेशन में है, तो क्या आप एक दूसरे से संबंध बना सकते हैं या फिर नहीं। मेरे कई व्यूवर्स का सवाल मेरे पास आया था, जिसमें उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था। मेरे हस्बैंड एक सेक्सोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मैंने इस सवाल के बारे में डिस्कस किया और उन्होंने मुझे पूरी बात समझाई, जो कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ और इससे रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। पर फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाए या कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर दोस्तों, वीडियो में बढ़े आगे, तो सबसे पहले आप नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटे का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर सिलेक्ट कर लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आप जल्दी से वीडियो में बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या कोरोना पॉजिटिव होने पर संबंध बना सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब ना ही होगा। अगर पति आइसोलेशन में है या पत्नी आइसोलेशन में है या पति पत्नी दोनों अभी आइसोलेशन में हैं, तो सहवास से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वास्तव में अकेले रहने पर चाहे पुरुष हो या महिला, सभी के मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं और सेक्स इच्छा भी तीव्र होती है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि इसका क्या हल निकाला जाए। तो इसका हल यही हो सकता है कि आप हस्त मैथुन का सहारा ले सकते हैं। हस्त मैथुन का कोई नुकसान भी नहीं है। ये क्रिया बिल्कुल वैसी ही है जो कार्य लिंग योनि में सेक्स के दौरान करता है, वही क्रिया महिला अपनी उंगली से और पुरुष अपने हाथों से कर सकते हैं। इससे आप संतुष्ट भी हो जाएंगे और तन मन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। और वहीं आप पार्टनर से संबंध बनाएंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो आप कोरोना का आइसोलेशन पीरियड पूरा होने के कुछ दिन बाद तक भी संबंध ना बनाए तो बेहतर रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपकी प्यारी शालू भाभी आपसे लेती हूँ विदा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।